أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله إهدنا بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله चेंगे आप। ये आज जो इनने एक बहुत अच्छा कदम उठाया भाईचारे के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम के लिए हर एक के साथ साथ मिलकर चलना और इनके त्यौहार पर किस तरीके के प्रोग्राम बनने करना, ये बहुत अच्छा काम है। और ऐसे ही क्या होगा कि हम सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सिस्टम रखा था इनने इख्तियारी का और बहुत अच्छा लगा हमें, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत भी की। हम यही चाहते हैं कि इसमें हमारे इलाके में ब्लॉक नागसिनी में अमन बरपा रहे, और आर्मी के तो हमेशा इसमें अहम रोल अदा होता है। शुक्रिया। थैंक यू। खुशी का मकाम है यहाँ पे। आज इंडियन आर्मी ने एक हथियार पार्टी रखी थी, जिसमें काफ़ी उलमा इकराम ने भी शिरकत की, जिसमें काजी साहब भी थे, हमारे DDC कौंसल भी थे, बाकी लोगों ने भी काफ़ी ने यहाँ पे शिरकत की। आर्मी वालों ने यहाँ पे बुलाया था, इसके लिए हम इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्र करते हैं। और ये एक संदेश है पूरे लोगों के लिए कि भाई इंडियन आर्मी जो है हर वक्त शाना बशाना लोगों के साथ रहती है, और हर वक्त कहीं भी कोई भी मुश्किलात होती है उस वक्त इंडियन आर्मी साथ रहती है। इसलिए हम इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने आज ये इफ्तारी पार्टी यहाँ पर रखी, लोगों को बुलाया, और ये बड़ा खुशी का दिन है कि आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया। आज 17 RR ने आज ये इफ्तार पार्टी रखी थी। आज खुलकर ये लगता है कि आर्मी को कितना लगाव है लोगों से। हम पलमाड़ से यहाँ आए, इतनी दूर यहाँ से आए, यही प्यार भाईचारा लेकर कि इन्होंने बड़े प्यार से बुलाया, तो इतना दूर आकर हम वहाँ से आए यहाँ पर, तो हम इनका बड़ा शुक्र गुजार। बहुत अच्छी पार्टी भी रखी थी, खाना भी बहुत बढ़िया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आर्मी के लिए लोगों के लिए, लोगों का आर्मी के लिए। इसलिए हम आज एक दफ़ा फिर ये कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, तो हम शुक्रगुजार हैं इनके।